क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट है पर्यावरण। आइए स्कूल चले, आइए स्कूल चले, ये आपके पाठ का नाम है। आप स्कूल कैसे जाते हैं? आप स्कूल कैसे जाते हैं? सभी लोग अलग अलग तरीके से स्कूल जाते हैं, जैसे कोई पैदल, रिक्शा, स्कूटर, बस से स्कूल। सभी लोग अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे साइकिल का प्रयोग करते हैं, गांव में लोग बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, और जहाँ नदी तालाब पार करके जाना होता है वहाँ नाव का प्रयोग करते हैं। सब लोग स्कूल जाने के लिए जिसको जैसे होता है, जो साधन दिखता है, उस तरह से जो है स्कूल जाते हैं। आप स्कूल कैसे जाते हैं? अगर किसी का नज़दीक रहता है स्कूल तो पैदल जाते हैं, नहीं तो साइकिल का उपयोग करते हैं, स्कूटर का उपयोग करते हैं। समझ में आई स्कूल कैसे जाते हैं? अब इसी के आधार पे आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर आपको यहाँ पे लिख रही हूँ, जो आपको अपने नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप स्कूल कैसे जाते हैं? हम स्कूल बस या वैन से जाते हैं। हम स्कूल बस या वैन से जाते हैं। अगर आप साइकिल से आते हैं, पैदल आते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, स्कूल कहाँ स्थित है? ये आपके बुक से संबंधित है। अगर आपके पास बुक है तो आप पार्ट एक आइए स्कूल चले, उस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उस बुक में आपको दिया गया है स्कूल के बारे में, स्कूल कहाँ स्थित है ये आपके बुक में दिया हुआ है। अगर आप बुक ले लिए हैं तो उस बुक में पार्ट एक आइए स्कूल चले, वो पार्ट खोल के देखेंगे तो आपके स्कूल के बारे में जानकारी दी हुई है। स्कूल कहाँ स्थित है? नदी, सड़क, दो पर्वतों के बीच या अन्य स्थान पर? स्कूल कहाँ है? तो स्कूल स्थित है, उत्तर में है, नदी पर स्कूल बनाया गया है। नदी पार करने के लिए स्कूल बनाया गया है, ये आपके बुक में भी है और नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, स्कूल का उपयोग कौन करता है? लोग, वाहन या जानवर? क्वेश्चन फिर से सुनिए, स्कूल का उपयोग कौन करता है? लोग, वाहन या जानवर? स्कूल का उपयोग कौन करता है? तो स्कूल का आंसर है आपका, स्कूल का उपयोग सभी करते हैं। पुल पर से तो सभी जाएंगे, नदी पार करना होता है, पुल बनाया गया है तो उस पर वाहन, जानवर, पैदल भी लोग जाते हैं, तो पुल का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, पुल बनाने में किन किन चीजों का उपयोग किया गया है? पुल बनाने में किन किन चीजों का उपयोग किया गया है? आंसर है, पुल बनाने में क्या उपयोग किया जाता है आप लोग भी देखेंगे, ईंट, रेती, सीमेंट,
आदि का प्रयोग किया जाता है। पुल बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? ईंट, रेती, सीमेंट, लोहा, कपची आदि का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? स्कूल जाने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया। और ये जो दिया गया है आपको, वो आपके बुक में क्वेश्चन है, तो इसको नोटबुक और बुक दोनों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा और उसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। थैंक यू।